हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिलाष थपलियाल कमर्शियल फोटोग्राफर लेकर आया हूँ आपके लिए फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक जिसके बारे में आप अपने मन में सोचते तो हैं बट सर्च करने पर कुछ मिलता नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू चूज बेस्ट फोटोग्राफी कॉलेज। जैसा कि हम सभी जानते हैं, फोटोग्राफी आज की डेट में बहुत ही रिस्पेक्टफुली इंट्रोड्यूस हो चुका है इंडिया में। लोग अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, इसी के चलते फोटोग्राफी के कॉलेजेस भी हर जगह मौजूद है ताकि हम अपना पैशन प्रोफेशन में चेंज कर सकें या अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकें। पर आज के टाइम पे फोटोग्राफी कॉलेज एक ऐसा बिजनेस बन चुका है कि हर गली नुक्कड़ पर आपको एक फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट बना मिलेगा। छोटा सा कमरा, 4 लाइटें दिखा के 1 लाख तक की फीस आपसे ले लेते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप इन बातों का ध्यान रखें। आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कभी ये मत देखिए कॉलेज कितना लग्जूरियस है, लाइक फ्लोर्स पे टाइल्स, लविश लाइटिंग, वॉल्स का फंकी पेंट, ये सब दिखा के आपको लूट लिया जाता है। इसकी जगह आपको देखना ये है इक्विपमेंट कंप्लीट है या नहीं, बैकड्रॉप्स है या नहीं, लाइटिंग स्टैंड्स कितने हैं, इलेक्ट्रिसिटी पावर बोर्ड्स कितने हैं, फैकल्टी का बैकग्राउंड चेक करना है कि उसने इंडस्ट्री में कितना काम किया है, किन ब्रांड्स के साथ काम किया है, कितने अच्छे लेवल पे काम किया है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि कॉलेज का स्पेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको अपने बैकड्रॉप्स बनाने के लिए, अपने सेटअप बनाने के लिए कॉलेज का स्पेस का ध्यान हमेशा रखिए। कॉलेज में इक्विपमेंट थोड़े बहुत कम इधर उधर हो सकते हैं बट स्पेस के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत आपके साथ ये होने वाली है कि आगे जाके जो भी आप सेटअप्स अपने बनाएंगे, रियल इंडस्ट्री में जब आप काम करने उतरेंगे तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, आप पूरे स्टूडियो का यूज़ नहीं कर पाएंगे। इन बातों का हमेशा आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। जिन पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बताया शायद थोड़े से आपको अलग लगे, अब मैं इनके आपको रीज़न बताता हूँ। फ्लोर्स पे शाइनिंग टाइल होने का मतलब है शूट में लाइट्स का फक्ड अप होना, लाइट रिफ्लेक्ट करेगी फ्लोर के साथ एंड आपको एक अच्छा रिजल्ट आपके पिक्चर में नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात, अच्छी लेविश लाइट होने का भी कोई मतलब नहीं है। फ्लोर या स्टूडियो हमेशा रॉ होने चाहिए ताकि आप अपने हिसाब से अपना सेटअप कर सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्टूडियो स्पेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेस के बिना आपकी क्रिएटिविटी, आपकी शूट फैंटेसी सब इनकम्प्लीट है। इसी के साथ ध्यान रहे दोस्तों, नंबर ऑफ इक्विपमेंट कॉलेज के अंदर ज़्यादा होने चाहिए ताकि एक साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने शूट्स या फिर कॉलेज से दिए गए असाइनमेंट्स को टाइम पे पूरा कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये बातें मैंने आपके साथ अपने एक्सपीरियंस से शेयर करी हैं। आई होप आप सभी के लिए ये एपिसोड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। डिस्क्रिप्शन में इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस के बारे में मेंशन कर दिया है ऑलरेडी। मैं खुद एक इंडिया के नंबर 1 कॉलेज से पास आउट हूँ, उसके बारे में भी मैंने मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हैं। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग मूवमेंट्स प्रोडक्शन हाउस।